नमस्कार फ्रेंड, राजस्थान से एक अपडेट आ रही है ओमिक्रॉन अलर्ट को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा बदलाव। जी हाँ फ्रेंड्स, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पॉलिटिकल पार्टी और धर्म गुरुओं के साथ बैठक बुलाई है और बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत कोरोना संक्रमण को रोकने का सुझाव लेंगे, जिसके बाद में प्रदेश ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर सख्ती को बढ़ाया जा सकता है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, शादी समारोह में 200 व्यक्तियों के एंट्री के साथ ही अंतिम संस्कार में 20 लोगों को परमिशन मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर प्रदेश की जनता से कोरोना के प्रति जागरूक रहने की बात कही। उन्होंने कहा, प्रदेश के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश में शक्ति बढ़ाने से कारोबारियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते उनके काम धंधे कम हो जाते हैं और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए और जिससे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम से कम हो और आम जनजीवन पहले की तरह सुचारू रूप से संचालित हो सके। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जयपुर में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 3 जनवरी से सख्ती बरतने का ऐलान किया गया है। इसको लेकर जिला प्रभारी सचिव सुधांश पंत ने जिला कलेक्ट्रेट में पुलिस, मेडिकल, नगर निगम समेत तमाम विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने के लिए जयपुर में रोको टोको अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए पूरे जयपुर शहर में विशेष रूप से 200 पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे। वहीं जयपुर में ऐसे हॉस्पिटल जो कोविड मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित है, उनमें बेड की रियल टाइम उपलब्धता की जानकारी आमजन को उपलब्ध करवाने के लिए फिर से पोर्टल शुरू करने के लिए कहा गया। बैठक में पंत ने सीएमएचओ को ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करने के निर्देश दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोविड मरीजों का पता लगाकर उन्हें होम आइसोलेट किया जा सके। और सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि 3 जनवरी से हम रोज सैंपलिंग की संख्या को 7 से 8 हजार कर देंगे और अगले एक सप्ताह में इसे 12 हजार तक ले जाएंगे। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर।